वॉल इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कल जुमे की नमाज अदा की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। तो वहीं धर्मगुरुओं द्वारा भी स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए लोगों से अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। जुमे को लेकर हम लोगों ने काफी व्यापक तैयारी कर ली धर्मगुरुओं से, और जो हमारे सिटीजन वॉलंटियर्स हैं, पब्लिक के लोग हैं, एसपीओस हैं, उन सबसे हम लोगों ने रेगुलर बात कर ली, इनसे कम्युनिकेशन जारी है। इसके अलावा जो मदरसे हैं उनके संचालकों से भी हमारी व्यापक स्तर पर बैठक हुई। कोर्स एक्स्ट्रा सहारनपुर जनपद को मिल चुकी है, उसका भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान करके किया है। यहाँ पर मेन जामा मस्जिद के इमाम द्वारा और विभिन्न मस्जिदों के इमाम द्वारा भी अपील की गई है। सहारनपुर में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उपद्रव करने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके रासुका भी लगाया जाए और देश भर में जहरीले भाषण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में प्रांत कार्याध्यक्ष जयपाल सिंह, प्रांत प्रचारक विभाग सदस्य रमेश शर्मा शामिल थे। नेतृत्व के आह्वान को पूरे देश भर के अंदर जिला मुख्यालयों पर बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किए हैं। जो पिछले शुक्रवार को इन लोगों ने और नुपुर शर्मा के बयान को आधार बनाकर हिंसा प्रारंभ की है, और वो हिंसा अज्ञा हो और जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर कड़ी कार्रवाई हो, और कुछ ऐसी मस्जिदें जिन मस्जिदों के अंदर इस प्रकार का और वातावरण तैयार किया जा रहा है, मदरसों के अंदर तैयार किया जा रहा है, उन सब मदरसों पर मस्जिदों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और उनके अंदर बैठे हुए जो भी मुल्ला मौलवी हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिदों के अंदर से ही फरमान जारी हो रहे हैं और वहीं से पत्थर लेकर और पत्थरबाज और ये हमले कर रहे हैं। हिंदुओं की संपत्ति को लुटा जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन पर भी पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है, इसलिए सीधे सीधे वे लोग जिम्मेदार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। आगरा में सेना भर्ती प्रक्रिया के विरोध को लेकर जगह जगह युवक प्रदर्शन कर रहे हैं। एमजी रोड के धोलापुर हाउस पर जोरदार प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने युवाओं पर लाठियां भांजी है। एसएसपी, एसडीएम सिटी समेत कई थानों की फोर्स तैनात रही। अलीगढ़ के थाना मंडराग क्षेत्र के नगर पंचायत में हुआ मिनी नुमाइश महोत्सव का आयोजन। झूलों के साथ साथ लोगों के मनोरंजन के लिए लगाई गई मिनी महोत्सव। महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद तेजस्वी गौतम और ब्लॉक प्रमुख भाजपाई, जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पहुंचे। अलीगढ़ में भी सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रामघाट रोड स्थित पीएसी के सामने छात्रों ने 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती किए जाने का विरोध किया है। इस दौरान युवाओं ने नारेबाजी की, वहीं अभ्यर्थी के बवाल काटने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों का गुस्सा शांत करने वाला बयान देते हुए कहा कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस और सहयोगी विभागों में समायोजित करेगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क के किनारे पटरी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल ने मांग की है कि बीते कई जगह जिहादियों द्वारा हिंदू धार्मिक स्थलों और धार्मिक जुलूसों पर पथराव आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर देश में अस्थिरता फैलाने और कानून को हाथ में लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिहादी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं जबकि हिंदू के धार्मिक जगहों पर बवाल काट रहे हैं।
यहाँ पर जो ये आतंकवादी पूरे देश भर को आतंकवाद की दिशा में भारत को झोंकने की ये सब तैयारी किए हुए हैं, उसके विरोध में ये बजरंग दल का देशव्यापी धरना प्रदर्शन राष्ट्रपति को ज्ञापन है। विश्व हिंदू परिषद भी इसमें जुड़ा है। विश्व हिंदू परिषद का ही विंग है बजरंग दल, उस बजरंग दल के द्वारा यह देशव्यापी धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति महोदय को हमने यह निवेदन किया है कि ऐसे जो भी इस देश में देश विरोधी गतिविधियों को में काम कर रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के बाद 20,000 रुपए के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो लोगों को रोकने की कोशिश की गई। बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब हुआ। फरुखाबाद में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से 400 घरों की बत्ती गुल हो गई। बिजली आने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौंडा जिले में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और एसओजी टीम ने हाईवे पर खड़े वाहनों की डीजल चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के पास से चोरी की 590 लीटर डीजल, 2 अवैध असलहा, 2 चार पहिया वाहन और चोरी करने का उपकरण बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि जिले में गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। गौना में भी सेना में संविदा पर भर्ती को लेकर छात्रों में उबाल। नाराज छात्रों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। थॉमसन कॉलेज के पास सैकड़ों छात्र इकट्ठा होकर नाराज नजर आए और पुलिस से धक्का मुक्की की। 6 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र भर्ती न होने पर युवकों का गुस्सा फूटा। सेना की भर्ती में 4 साल में तैयार होने के नए कानून को लेकर 0.0 कीढ़ा सजनवा में छात्रों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सजनवा सुरेश राय, सीओ खजनी अनिल सिंह, थाना प्रभारी गीढ़ा सड़क जाम कर छात्र लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। उत्तर प्रदेश टीम में चुने गए जौनपुर के 11 टाइकांडो खिलाड़ी पंजाब के अमृतसर में आयोजित चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए रवाना हुए। 18 जून से आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी शाहगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर रवाना हुए। कानपुर से घटनाओं के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन लगातार जारी है कि दिव्यनगर थाने के सामने सड़क पर बैठकर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। भारी पुलिस मौके पर मौजूद रही। शहर में विभिन्न स्थानों में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। संभल में बाइक समेत मृत मिले रविंद्र की सुपारी किलर से हत्या कराई गई थी। यह हत्या युवक के पिता और भाई ने ही कराई थी। छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखना हत्या की वजह बना है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जुमे की नमाज से पहले संभल में प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की दो-टूक चेतावनी है कि उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। अगर किसी ने भी शेयर का माल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनपदीय कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पिछले जुमे को सड़कों पर हिंसा फैलाने वाले लोगों पर एनएसए लगाए जाने और जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। श्रावस्ती में अचानक एक घटना सोचने को मजबूर कर रही है। एक बाइक सवार चालक जा रहे साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पास में लगे विद्युत खंभे से टकरा गया, जिससे बाइक पर सवार बैठी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घटना पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा हो गया। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र पुलिस को जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 20 जून की जगह अब 17 जून को ही समाप्त हो जाएगा। सरकार के पास सत्र को 20 जून तक चलाने के लिए एजेंडे नहीं है। विधानसभा में कार्यमंत्रण समिति की बैठक में सत्र की अवधि घटाने की बात सामने आने पर विपक्षी विधायकों ने विरोध किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सत्र के 17 जून को समाप्त होने की पुष्टि की है।
हरदोई के कासिमपुर थाना इलाके में एक ज्वेलर से बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर से भरा बैग लूट लिया। ज्वेलर्स की पत्नी के द्वारा विरोध किए जाने पर ट्योरों ने महिला के सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लखनऊ में अग्निपथ योजना मामले पर वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में सवाल हैं, देश के युवाओं के मन में कई सवाल, वरुण गांधी कहते हुए नजर आए। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकाले, योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखें। श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। श्रावस्ती पुलिस की सिख टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दो अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। भुगतान प्रणाली के माध्यम से लोगों के खातों से पैसे निकालते थे, जिसके बाद खाताधारकों के फिंगरप्रिंट का क्लोर बनाकर खाते से पैसे निकाल लिया करते थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।